बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद शहर के शिवाजी पथ स्थित पतंजलि चिकित्सालय में भारत सरकार के देखरेख में संचालित जन औषधि केंद्र का शुभारंभ जहानाबाद के डीएम अलंकृता पांडे एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि गरीब परिवार के लोगों को कम से कम कीमत में दवाइयां जन औषधि केंद्र में मिलती है, इसलिए जन औषधि केंद्र चलाना भी एक तरह की सेवा है और यह सेवा के लिए पतंजलि चिकित्सालय के संचालक चंदन कुमार आगे आए हैं, यह खुशी की बात है। जहानाबाद में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया, यह निश्चित तौर पर जहानाबाद जिले वासियों के लिए सुख की अनुभूति कराने वाली बात है। अतिथियों ने कहा कि रेगुलर दवा खाने वाले लोग गया पटना में स्थित जन औषधि केंद्र से दवाइयां मंगवाया करते थे, लेकिन अब जहानाबाद में जन औषधि केंद्र खुल गया है। इससे जहानाबाद के लोगों को दवा सस्ती कीमतों पर मिलेगी और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जन औषधि केंद्र जहानाबाद सदर अस्पताल के नजदीक है। ऐसे में गरीब परिवार आसानी से जन औषधि केंद्र में आकर कम से कम कीमत में दवाइयां ले पाएंगे। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के मौके पर गया शहर के सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर यूएस अरुण, जन सुराज के नेता अभिराम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, एमएलसी जीवन कुमार के प्रतिनिधि प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, मानस विद्यालय के निदेशक नवल किशोर शर्मा, द विंग्स फाउंडेशन के निदेशक संतोष शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के लिए संचालक चंदन कुमार को शुभकामना देने का काम किया और कहा कि एक समय में जब पतंजलि के डॉक्टर जहानाबाद में नहीं रहते थे, तब जहानाबाद में पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से पतंजलि के डॉक्टर लाने का काम किया और अब जन औषधि केंद्र खोलने का काम किया है, यह काबिले तारीफ की बात है। निश्चित तौर पर हम सभी जहानाबाद जिले वासी आपको हर संभव मदद करने का काम करेंगे। आज जहानाबाद में पहला सेंटर एक खोला गया है पीएम जन औषधि का और हम लोग ये आशा करते हैं कि अफोर्डेबल मेडिसिन इसके द्वारा मरीजों को प्राप्त होंगी और उनको इलाज में काफी सुविधा होगी और अस्पताल के पास में ही है तो इससे भी मरीजों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक होना चाहिए। इसलिए मैं जन औषधि के जो केंद्र के संचालक हैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रशासन का सपोर्ट इस स्कीम के लिए और संचालन के लिए बना रहेगा। पहले इन चीजों के लिए गया पटना जाना पड़ता था तो बहुत काफी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी बिचौलिया तो नहीं, लेकिन जो फार्मा कंपनीज के द्वारा दवाएं हैं उनमें कई बार प्राइस डिस्पैरिटी होती है तो यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन जो है वो काफी किफायती दामों पर लोगों को उपलब्ध होंगी और मरीजों को इसका काफी फायदा मिलेगा। विजयादशमी के अवसर पर जहानाबाद जिले के प्रधानमंत्री योजना के तहत जन औषधि चंदन कुमार जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। यहाँ जनता की गरीब जनताओं के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। विजयादशमी के लिए साथ साथ इस दुकान की, जन औषधि दुकान की और भारत सरकार की उपक्रम जो है इसके लिए और चंदन जी की रणनीति जो इस जहानाबाद के लिए लाए हैं इस दुकान को, गरीबों के हित में विजयादशमी के ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक भी उसका सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह सेवा करते रहें। जन औषधि में दवाइयाँ बहुत सस्ती है, 50% से लेकर 90% तक हर तरह की जीवन रक्षक दवाइयाँ हम लोग उसको भैया इंतजाम करके रखे हुए हैं, दवा जो घटे मंगवा रहे हैं। देखिए, जो जन औषधि है वो भारत सरकार की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसके लिए आते ही पहल किया था कि हमारे के यहाँ दवा जो है एलोपैथिक मेडिसिन का काफ़ी रेट जो है सो अधिक है, गरीब लोग इसको नहीं कर पाता है, तो साल्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जन औषधि को दिया गया है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में विश्वसनीयता नहीं है, यही जन औषधि दिल्ली में मेट्रो टाउन में ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा बिक्री। यहाँ पहले भी एक हमने खुलवाया था जन औषधि, हम अपने समय में वहाँ बस स्टैंड के पास, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। हमको लगता है कि इसमें विश्वास लोगों को जागृत करना पड़ेगा और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी एक ही है, साल्ट कंपोजिशन है, इसलिए आम आदमी के लिए यह बड़ा ही सरल और सुलभ है और सस्ता है, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि आदमी बीमार से कम दवा से ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, महंगाई की दवा। ठीक बात है, एक
एक जो दवा है अभी आँख का 162 रुपया में, और यहाँ हमने लिया 26 रुपया में, तो इतना का अंतर है जन औषधि और फार्मा कंपनियों की दवा में, बहुत वाइड डिफरेंस है। लेकिन अंतर, इस अंतर को समाप्त करने के लिए विश्वास लोगों के अंदर पैदा करना होगा। बहुत लोग कह देते हैं कि इसकी इफिकेसी नहीं है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एक भय पैदा कर दिया गया है कि इसकी दवा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पूर्ण इफेक्टिव है। साल्ट कंपोजिशन उसमें है, इनको ऐड पर खर्च नहीं करना पड़ता है। दूसरी कंपनियां जो हैं ऐड पर बहुत, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट में है उससे ज़्यादा उसको ऐड पर खर्च करना पड़ता है, इसलिए वह कॉस्टली हो जाता है। और जब कॉस्टली हो जाता है तो आम जो ग्रामीण परिवेश के गरीब पेशेंट हैं, जो दवा 5 पैसे में जन औषधि में उपलब्ध है, वह दवा 2 रुपये में पर टैबलेट फार्मा कंपनियों से है। दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं अत्याचार पर, अनाचार पर, एक इन अत्याचारियों पर का नाश हो, और स्वतंत्र विचार के लोग, लॉ अवॉइडिंग लोग, अमन पसंद लोग सुरक्षित रहें। भगवान श्री राम ने भी इसी दिन यहाँ ये किया था, अत्याचारियों का नाश करके आगमन हुआ था, और माँ दुर्गा असुरों से, राक्षसी शक्तियों से निजात दिलाया था, ताकि अमन चैन शांति आम लोग प्राप्त कर सके। इसीलिए सब लोग आज के दिन का सालों इंतजार करते हैं, आराधना करते हैं, और आज लोग अभिभूत हैं कि माँ का कृपा हमको फिर सालों ऐसे ही मिलता रहेगा। जन औषधि केंद्र शहर में पहला है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सेंट्रल की योजना है, जहाँ पे सारी अंग्रेजी दवाइयाँ आपको 50-90% डिस्काउंट पर मिल जा रहा है। क्या सभी तरह की दवाई जो उपलब्ध हो गया? सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। 2000 से ऊपर का रेंज है मेडिसिन का, 300 प्लस का रेंज है सर्जिकल आइटम्स का। लगभग सारी दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ दवाइयाँ बाकी हैं जो रास्ते में, वो भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है जहानाबाद के DM और पूर्व सांसद कर रहे थे, क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा? DM साहब से मैं जब पहली बार ही मिला था, उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा सहयोग इस योजना के अंतर्गत रहेगा। उन्होंने हमेशा जरूर बोला कि हॉस्पिटल के नज़दीक है दवाई दुकान, इससे गरीब लोगों को निश्चित ही फायदा होगा। आप दुर्गा पूजा जो है, क्या संदेश देना चाहते हैं? विजयदशमी के अवसर पर सब लोगों ने पहले से ही आशीर्वाद दिया है, और आज भी जहानाबाद के सभी लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।